नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूँ आज फिर एक धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, हिंदू धर्म शास्त्रों में पवनसुत हनुमान को राम भक्त के रूप में जाना और पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ पौराणिक शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने की भी बात कही गई है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। आंध्र प्रदेश का यह मंदिर हनुमान जी के विवाह के गवाह का एकमात्र मंदिर माना जाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के तीन विवाहों के बारे में। तो साथियों, इससे पहले देर ना करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक मैं आसानी से पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। साथियों, सूर्यदेव की पुत्री सुवरचला और हनुमान जी के विवाह का उल्लेख हमें पराशर संहिता में मिलता है। पराशर संहिता में उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य थे। सूर्यदेवता हनुमान जी को नौ विद्याओं का ज्ञान देना चाहते थे। इन नौ विद्याओं में से हनुमान जी ने पांच विद्याएं तो सीख ली, लेकिन बाकी विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना अनिवार्य था। इसी अनिवार्यता की वजह से सूर्यदेवता ने अपनी ही पुत्री सुवरचला का विवाह हनुमान जी के साथ कर दिया। हनुमान जी से विवाह होने के बाद सुवरचला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई। साथियों, हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख हमें पौम चरित्र में मिलता है। पौम चरित्र के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से रावण से युद्ध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में रावण की हार हुई थी। युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी दुहिनता अंगन कुसुमा का विवाह हनुमान जी के साथ कर दिया था। वहीं जब वरुण देव और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी वरुण देव की तरफ से लड़ते हुए वरुण देव को विजय दिलाई थी। वरुण देव ने इस विजय से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी के साथ कर दिया था। इस तरह हनुमान जी के तीन विवाह शास्त्रों के अनुसार माने गए। साथियों, हनुमान जी भले ही विशेष परिस्थितियों के तहत ये तीनों विवाह किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वे आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते रहे हैं। ये सब बातें विभिन्न शास्त्रों के अनुसार बताई गई हैं। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि परम भक्त हनुमान ने वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इसमें हमने जाना हनुमान जी की तीनों पत्नियों के बारे में। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। साथियों, आप लोगों की क्या राय है हनुमान जी के विवाह के बारे में, ये कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, राम।